बुढ़ापा किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है और उस बीमारियों की वजह से बहुत सारे मन में विचार आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती है, डर आ जाता है। और ऐसा ही डर और एंजाइटी लेके बहुत सारे मरीज हमारे क्लिनिक में आ जाते हैं। आज हम एक केस देखेंगे और उस केस से रिलेटेड जो रेमेडी है हम उसकी जर्नी देखेंगे। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक मरीज आया था जिसके घुटनों में बहुत दर्द था। उसकी बेटी की ट्रीटमेंट मेरे पास चल रही थी और उसको थायराइड की शिकायत थी। ये जो थायराइड का प्रॉब्लम बहुत हद तक हमारे मेडिसिन से बहुत कंट्रोल में आ गया था। ये फ़र्क देखते हुए उस लड़के ने अपने पिताजी को ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास लाया। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से ये घुटनों में दर्द है, जब मैं चलता हूँ तो बहुत दर्द होता है और इसीलिए मैं घर के बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद गिर जाऊँगा या इतना पेन हो जाएगा और मेरी वजह से दूसरों को बहुत तकलीफें हो सकती है और इनको तकलीफ़ में देना नहीं चाहता, इसीलिए मैं घर में प्रेफर करता हूँ, बाहर निकलता नहीं। ये पेन इतना बढ़ जाता है कि बहुत बार तो मैं रो देता हूँ, ये असहनीय पेन होता है और इस पेन की वजह से बहुत बार इतनी थकावट आ जाती है, इतना रोना आ जाता है कि इससे बेहतर है कि मैं कहाँ जा नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में ही प्रेफर करता हूँ। मेरी दो बेटियाँ हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, मैं और मेरी पत्नी, बस हम दोनों का परिवार है। अब मुझे चिंताएं सताती है कि हम दोनों को अब देखने वाला कौन है, किसी का सहारा है? ऐसे ये दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, लेकिन मैं इनसे सपोर्ट लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया तो फिर ये ससुराल में ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। मुझे उनको तकलीफ में डालना नहीं है, मुझे सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन इनको तकलीफ में डाल के वो सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। ये दर्द इतना असहनीय होता है डॉक्टर साहब, कई कई बार तो मैं रात को रो देता हूँ, नींद आती नहीं है, बहुत सारे विचार मन में आते हैं कि अब ये ऐसा है, आगे जाके कैसे होगा। मैं इसमें कंप्लीटली फंस चुका हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट की, होम्योपैथी भी मैंने करीब करीब 1-2 साल लिया, लेकिन होम्योपैथी से भी कुछ आराम नहीं आया। मेरी बेटी ने कहा कि आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ से कुछ अच्छा आपका उपचार हो जाएगा और इसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकालिए। मैंने पूछा कि इसको लेके एग्जैक्टली आपके मन में क्या चिंताएं हैं? तो उन्होंने कहा कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, बेटियां ससुराल में हैं, अब जब हमको तकलीफ होती है तो हम किसको बुलाएंगे? बेटियां को तो बुला नहीं सकते। अब ये तबीयत दिन ब दिन बहुत ही नाजुक होती चली जा रही है और इसके लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। बेटियां हैं, उनके बारे में चिंताएं तो होती है, हर टाइम उनके बारे में मैं चिंता करते रहता हूँ। कई बार तो मैं मेरे घर वाली के ऊपर भी बहुत बार चिढ़ जाता हूँ, जब पेन होता है तब मुझे ऐसे लगता है कि यह पेन ठीक होने वाला नहीं है, अब आप ही कुछ कीजिए, इसमें से बाहर निकालिए। जब ये बेटी मेरे तरफ ध्यान नहीं देती, जो एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक अंदर से लगता है कि इन्होंने मेरे तरफ ध्यान देना चाहिए, जब ध्यान नहीं देती तो मुझे ऐसे लगता है ना मेरी पत्नी मेरी तरफ ध्यान देती है ना मेरी बेटियाँ मेरी तरफ ध्यान देती है। वैसे वो एक्चुअली ध्यान देती है, लेकिन एक मन में ऐसे लगता है कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। तो मुझे ऐसे लगता है अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं अकेला हूँ और इसीलिए मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मेरी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये सोच के फ्यूचर के बारे में बहुत चिंताएं होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ अब तक मैंने दूसरों के लिए किया,
मैंने पूछा दूसरों के लिए, तो उनके बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब इनके 3 भाई हैं, अब ये सबसे बड़े हैं। ये जब मुंबई में नौकरी में आए तो नौकरी जब इन्होंने स्टार्ट की तो पहले 2 साल इनकी कंप्लीट सैलरी ये अपने माँ के हाथ में देते थे। तब इनके एक फ्रेंड ने कहा कि तू पागल हो गया क्या, अपनी पूरी सैलरी तू घर में दे देता है तो तेरे फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। तो उसने खुद बैंक में जाके मेरा अकाउंट खुलवा दिया और तब से फिर मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो अब मनी जमा हो रहा है। उसके पहले मैं कंप्लीट सैलरी अपने माँ के हाथ में देता था और वे घर में खर्चा कर देती थी। लेकिन जब मेरी परिस्थिति बिकट हो गई तब मेरे दोनों भाइयों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ना माँ ने सपोर्ट किया। मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने इनके लिए किया वो पूरा व्यर्थ है। तब से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और ये सुन के तो मैं परेशान हो चुका, मेरी चिड़चिड़ होने लगी। और बस उसी समय से ऐसे लगा कि जीने में कोई अर्थ नहीं है। और फिर ये धीरे 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 ये तकलीफें मुझे स्टार्ट होने लगी। इस मरीज को मैंने बाम्बूसा 200 का सिंगल डोज दिया, इसके बाद इसकी तकलीफ बहुत हद तक कम होती चली गई। बाम्बूसा में एक कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, डेल्यूजन अलोन, शी इज अलोन इन द वर्ल्ड, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ एंड डिल्यूजन पुअर ही इज। ये कॉमन फीलिंग जो है, ये कॉमन रूब्रिक बहुत बार हमारे मरीज में दिखते हैं। बाम्बूसा जब हमारे पास आता है तब वो डिल्यूजन पुअर की स्थिति में बहुत बार आता है, मुझसे ये नहीं होता है, मुझको बहुत थकान आ चुकी है, घर के रोज के काम मैं कर नहीं पाती, ऐसे जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो सेपिया और बाम्बूसा के होते हैं। सेपिया बहुत ही करीबी मेडिसिन बाम्बूसा की है। बाम्बूसा भी इस कमज़ोरी से बहुत परेशान हो चुका होता है। लेकिन ये कमज़ोरी आती क्यों है, इसके अगर कारण के पीछे जाए तो हमें एक बहुत ही अच्छी जर्नी मिलती है। वो जर्नी स्टार्ट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली से। ये सीरियस भी होता है अपने कामों में, फास्टिडियस, डिजायर्स टू वॉन्ट्स टू परफॉर्म एवरीथिंग इन अ परफेक्ट वे, यानी सब कुछ जो कुछ परफॉर्म करना है वो एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए, ऐसा इसका अट्टहास होता है। इसीलिए जो भी कुछ करता है अपने घर के लिए, काम में, सब परफेक्ट करता है, उसको जरा भी 19-20 चलता नहीं है। लेकिन जब ये सबके साथ होता है तब ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, वैसे ही वो डिक्टेटोरियल होता है, ये डॉगमेटिक होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो। और जब ये होता नहीं है तो बहुत सारी चिड़चिड़ होती है, एस्पेशली चिल्ड्रन के ऊपर होती है, हस्बैंड के ऊपर होती है। आपके पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं और वो उनका कॉमन से होता है कि डॉक्टर ये मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ करती है, अब उनने कुछ काम मुझे कहा कि तुझे ये काम करना है तो मैं उसको कहती हूँ मैं कर दूंगी, इसको वो पेशेंस होता नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि जो मैंने कहा बस अभी कर दे, अरे मैं तो करने वाली हूँ लेकिन नहीं अभी कर दे, और जब मैं नहीं करती हूँ तो बहुत चिड़चिड़ करने लगती है, यही इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ही हस्बैंड भी सेम उसकी कंप्लेंट रहती है कि इसको अभी के अभी ही करना चाहिए नहीं तो ये चिड़चिड़ कर देती है, छोटी छोटी बात को लेके ये चिड़चिड़ करती रहती है। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, क्वारेल्सम ट्रिफल्स अबाउट। तो ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक अडेप्टेशन है। जब ये
क्वारल करती है, झगड़ा करती है, तब झगड़े के बाद ये अकेला रहना पसंद करती है। क्वारलजम विथ डिजायर टू विथ एवर्जन टू कंपनी, अब मुझे कंपनी नहीं चाहिए, अकेला रहने दो। और ये अकेला इसको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि अकेला रहने से इसके मन को शांति मिलती है। कंपनी एवर्जन टू कंपनी डिजायर फॉर सॉलिट्यूड नहीं चाहिए, सैडनेस में भी कंपनी नहीं चाहिए। लेकिन ये सैड कब हो जाती है, ये डिस्पेयर में क्यों चली जाती है? जब इतना परफेक्ट करने के बावजूद भी जब इसके काम पे कोई उंगली उठाता है, कोई दोष निकालता है या इसे कुछ भला बुरा कहता है, तब इसके मन को वो ठेच पहुँचती है। ऑफेंडेड इजीली, इरिटेबिलिटी रिप्रोचेस फ्रॉम, क्योंकि वो उतनी सेंसिटिव होती है, कोई भी बोले तो मन को लग जाता है। और फिर ये गहराई जो चोट रहती है वो इतनी गहराई तक चली जाती है, उस चोट से ये उभर ही नहीं पाती, ये कम्प्लीटली सैडनेस में चली जाती है। जो ये एंथुजियास्टिक होती है वो कम्प्लीटली अब एनर्जी लेस हो जाती है, क्योंकि जो मन सोचता है कि मुझे एक कार्य करना है तब शरीर उतना साथ देता है, लेकिन जब आप मन से उदास हो जाते हो तो शरीर भी उतना ही उदास हो जाता है, उतना लेजी हो जाता है। वैसे ही इस बांबूसा में ये मरीज बहुत ही लेजी हो जाता है। यहाँ एक रूब्रिक है, लेजीनेस एज इफ ही इज बॉर्न लेजी, यानी ये जन्म से ही इतना लेजी है। इनॉय लेजीनेस विथ पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे, हर काम को कल करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं। सैडनेस वेकिंग ऑन, लेजीनेस वेकिंग ऑन, अब यार काम करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं, किसके लिए करने हैं? इतना अच्छा करने के बावजूद भी मुझे बहुत ताने पड़ते हैं, मुझ पे उंगली उठती है, तो क्यों करना है? वहाँ ये सैड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्पेयर में चली जाती है। उसको ऐसे लगता है कि बस अब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, लाइफ जीने के लिए कुछ अर्थ नहीं है। डिल्यूजन लाइफ, लाइफ इज मीनिंगलेस, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, जिसका कुछ अर्थ नहीं है, क्यों जियो, किसके लिए जियो? इनडिफरेंस टू एवरीथिंग विथ, इनडिफरेंस विथ हस्बैंड टू, यानी सब चीज़ों में या हस्बैंड से भी वो इनडिफरेंस हो जाती है, अपने बच्चों से भी वो अलग हो जाती है, उनकी तरफ वो देखती भी नहीं है, इतना इरिटेबिलिटी उसके मन में अपने बच्चों के प्रति आ जाती है। केयरिंग एवर्जन टू केयर्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के प्रति इतनी केयर लेती थी अब उनका भी केयर लेना ये छोड़ देती है। नर्सिंग एवर्जन टू नर्स इज चिल्ड्रन, नर्सिंग यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ही नर्स करते हैं, जो पेरेंट्स होते बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, तभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नर्स करते ही रहते हैं। लेकिन जब ये बच्चे उनको डिसीव करते हैं, उनका सुनते नहीं हैं, तब उनकी तरफ ध्यान देना या उनको मदद करना अब ये कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। उनका अच्छा देखना यानी उनके लिए जो कुछ अच्छा बने वो करना, ये सब ये पेरेंट्स वहाँ से कट हो जाते, छोड़ देते हैं, इनको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि समझो एक मरीज़ आपके पास आया जिसको कुछ भी एक्स वाई जेड तकलीफ है, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने ज़िंदगी में मेरी सारी पूंजी मेरे बच्चों के शिक्षा पे लगा दी, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अब अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन जब अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरे बच्चे तो अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन इस हमारे बूढ़ी अवस्था में अब वो हमारे साथ रहते नहीं हैं, अलग रहते हैं, कभी कभार हमें देखने आते हैं, भाई जिंदा है या मर गए हैं, जो कुछ हमने पूंजी लगाई थी हमारे बच्चों के ऊपर हमने खर्च कर दी, अब हमें ऐसे लगता है कि इन बच्चों ने
हमें फंसाया है, डिलीजन डिस्यूबिन। ये खुद को हेल्पलेस समझते हैं, फोर सेकंड फीलिंग आ जाती है, वीपिंग फ्रॉम फोर सेकंड फीलिंग, डिलीजन ही इज बीन फोर सेकंड, हमें अकेला छोड़ दिया है। ऐसी ये मन में जब इनको ये डिलीजन आता है, डिलीजन अलोन ही, तो फिर उनकी पैथोलॉजी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वो सैडनेस, वो डिस्पेयर, वो लेजीनेस, वो सब यहाँ आ जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे मरीज जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर हमारा कोई नहीं है, बस आप इस तकलीफ से जल्दी हमें बाहर निकालो। लाइट डिज़ायर फॉर कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, ये डिज़ायर होती है उनकी कि प्लीज़ इस तकलीफ में हम निराश हो चुके हैं, डिस्पेयर, सपोर्ट वांट्स टू बी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जब इस निराशा की अवस्था में कोई उनको सपोर्ट देता है, कोई उनको लाइट देता है, उसमें से बाहर निकालता है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको उसी की आवश्यकता होती है। सेपिया में वह पेशेंट कम्प्लीटली इनडिफरेंस हो चुका होता है, कम्प्लीटली एस्ट्रेंज हो चुका होता है। यह एस्ट्रेंज का एक भी रूब्रिक आपको बाम्बूसा में दिखेगा नहीं। सेपिया में इनडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज होता है, वेयर एज ये इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज में होता है। भले उनके बच्चे उनको कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन बच्चे को जब कुछ जरूरत होती है तब ये रेस्टलेस हो जाते हैं, और मैं कैसी उनकी मदद कर सकूं, मेरे परे कितना हो सके वो करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये सेपिया और बाम्बूसा में फ़र्क होता है। बाम्बूसा में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन आर्म्स, आर्म्स आर वेरी स्टिफ, डिल्यूजन बैक, बैक इज लूजन, यानी वो अब कुछ कर नहीं पाता। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स एक शक्ति का एक प्रतीक है, आर्म्स एक कार्य का प्रतीक है। अब उसमें शक्ति नहीं बची है, अब कार्य करने की शक्ति नहीं बची, अब वो कौन सा भी कार्य कर नहीं सकता। बैक यानी सपोर्ट, आधार, अब उसकी खुद की ही बैक अब लूज हो चुकी है, तो उसको अब सपोर्ट की ज़रूरत है। बाम्बू, अब बाम्बू जब देखेंगे तो वो बहुत ही स्टिफ होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। वैसे ही ये मरीज़ अब बाहर से आपको दिखेंगे अच्छे, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली वो खोखले हो जाते हैं, डिलीजन पुअर हीज, अब उनमें उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। और जब ये स्ट्रेंथ होती नहीं है तब इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और जब ये सपोर्ट मिलता नहीं है तब ये श्रिक करते हैं, कर्स करते हैं, कर्सिंग डिजायर टू कर्स, क्वारलजम हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है, मूड चेंजेबल, इनडिफरेंस अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस, वीपिंग, वीकनेस फ्रॉम, ये बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है। मैंने वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, ये आप वीडियो देखो, आपको वीपिंग का अर्थ समझ में आएगा। वीपिंग यानी जब आदमी टूट जाता है, उसका सामर्थ्य टूट जाता है या खुद को कम समझने लगता है, और यहाँ रूब्रिक है वीपिंग वीकनेस फ्रॉम, जब इसका सामर्थ्य कम हो जाता है। क्यों? वीकनेस की वजह से। और ये वीकनेस क्यों होता है? क्योंकि इसको ताने मिलते हैं, क्योंकि इसका ऑनर वुंडेड हो जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, तब इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम्प्लीटली एनर्जी लेस हो जाती है, कम हो जाती है, अब ये कौन सा भी दर्द सहन नहीं कर सकता। वीपिंग पेन्स फ्रॉम, प्रोस्ट्रेशन पेन्स फ्रॉम, पिटीज हर सेल्फ फ्रॉम पेन फ्रॉम, अब ये कौन सा भी प्रकार का दर्द सहन नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे जब ऐसे मरीज आपके पास आते हैं, पेन की शिकायत करते कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, छोटा सा भी पेन ये सहन नहीं कर पाते, और अपनी कंप्लेंट जब बताते हैं, कभी आधे इंटरव्यू वो रोते हुए देते हैं और आधे कुछ ऐसे देते हैं जैसे आपको उनके ऊपर दया आ जाए।
वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम। इसमें एक रूब्रिक है लेजीनेस सैडनेस फ्रॉम। अब ये सैडनेस कब आ जाता है, जैसे ही हमने देखा जब इसका ऑनर वाउंडेड हो जाता है, जब इसको रिप्रोच मिलता है, जब कोई इनके ऊपर चिल्लाता है सेंसिटिव रेप्रीमाइंड्स टू, तो इनको बहुत दुख होता है, ये हर्ट हो जाती है। जो काम इतने एंथुजियास्टिकली करते रहती है, इतने उत्साहपूर्वक करती रहती है, वो काम में अब रुचि नहीं रहती, अब वो लेज़ी हो जाती है, एक उदासी छा जाती है। दिस इज लेजीनेस सैडनेस फ्रॉम लेजीनेस एवर्जन टू यूजुअल हाउस होल्ड वर्क। लेकिन एक रूब्रिक इसमें ऐसा भी है, वो है रेस्टलेसनेस आइडल वेन, यानी ये आइडल रहना, बिना काम के रहना, ये इनको जमता नहीं है, क्योंकि वो उतने काम में रुचि रखने वाले हैं, बिना काम के रह नहीं सकते। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली डिस्पेयर में चले जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, और हर काम का इनको बहुत कंटाला आता है, दैट इज़ इनॉय लेजीनेस विथ। तो हर चीज़ इतने फास्टिडियस तरीके से करने के बाद भी जब इनको रिप्रोच मिलता है, जब इनको कोई ऐसे बदतमी से बात करता है सेंसिटिव रेप्रीमेंड्स टू, कुछ अधिकार वाने से बात करता है, ये हर्ट हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इसीलिए यहाँ रूब्रिक है कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सपोर्ट डिजायर्स। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फील्स फेल्यूअर्स हिमसेल्फ। डिल्यूजन रॉन्ग एवरीथिंग गोज रॉन्ग। डिल्यूजन ही कैन नॉट सक्सीड। डिल्यूजन एवरीथिंग विल फेल। अब कौन सा भी काम करने के पहले इनको ऐसे लगता है कि ये फेल ही होने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस इनका शैटर हो जाता है, कम हो जाता है, और तब ये डिस्पेयर में चले जाते हैं। डिस्पेयर वांट्स टू बी सपोर्टेड, लेकिन इसी अवस्था में इनको ऐसे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल कौन कर रहा है, डेस्टिनी कर रही है। सो डिस्पेयर एवरीथिंग कंट्रोल बाय डेस्टिनी। ऐसी जब अवस्था आती है बहुत सारे मरीजों को लगता है कि मैंने मेरी लाइफ इनके लिए खर्च कर दी, इनके लिए मेरे लाइफ मैंने बर्बाद कर दी। डिल्यूजन हेल्थ ही हैज़ रुइन हिज हेल्थ। तब इनको बहुत दर्द होता है, इनको बहुत दुख होता है, और ऐसा दुख लेके ये आपके पास आते हैं, अब मुझसे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं होगी, हैंडल थिंग्स एनी मोर कैनॉट, ऐसे एक रूब्रिक इसमें है। लेकिन इस एंजाइटी कंसर्न्स की वजह से या कॉन्सेंशियस ट्रिफल्स अबाउट की वजह से ये इनको कुछ ना कुछ करना ही होता है, मन से लगता है नहीं मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करूँ, ये बाम्बूसा की मेन फीलिंग होती है, जो इतने वीकनेस में भी उनके मन में दूसरों के प्रति ये भावना आती है, और वेर एज CPI यहाँ से कम्प्लीटली कट हो जाती है। और इसी अवस्था से बाहर आने के लिए ये बाम्बूसा छटपटाता रहता है, इसको एक लाइट की ज़रूरत होती है, कोई कैरी करे, मुझे इस पोजीशन से, इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ऐसे इसे लगते रहता है। ये चेंज चाहता है अपने लाइफ में, चेंज डिज़ायर फॉर लाइफ, और इसीलिए इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बहुत सारे कुछ फियर भी इनके मन में रहते हैं, थोड़ा सा भी सर में दर्द हो गया, इनको ऐसे लगता है कि मुझे शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया है, और इसी डर से परेशान होके वो हमारे पास आते हैं। फियर कैंसर ऑफ ब्रेन ट्यूमर, फियर लंप इन मैमे, थोड़ा सा भी मैमे में कुछ ऐसे लंप लगा, इनको ऐसे लगता है कि शायद ये कैंसर हो सकेगा। वैसे ही फियर वर्टिगो ऑफ, वर्टिगो की भी इनको बहुत फियर होती है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि वर्टिगो है तो शायद मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। तो बाम्बूसा की मेन फीलिंग क्या है? डिल्यूजन पुअर हीज हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ सपोर्ट वांट्स टू बी डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, और उसमें से बाहर निकलने के लिए लाइट डिजायर फॉर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, क्योंकि इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज। और यही थीम हमें बहुत सारे मरीजों में दिखती है, और उसका मेन कारण होता है, जिससे पैथोलॉजी स्टार्ट होती है,
वो है एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर ओंडेड, इरिटेबिलिटी रिप्रोचेस फ्रॉम, और एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट। यहाँ से इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। सो दिस इज बाम्बूसा। अब जाते जाते मैं आपको एक बाम्बूसा की टिप देता हूँ। एक रूब्रिक है, रेस्टलेसनेस इरेजुलेशन एक्ट विथ। इसका अर्थ ऐसा है कि उसकी जो अशांतता है, एक अस्वस्थता है, वो उसके काम में नज़र आती है। जब बाम्बूसा वीक हो जाता है, कुछ ये कर नहीं पाता, तब इसकी जो चिड़चिड़ होती है वो अंदर ही अंदर होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, ये व्यक्त होती नहीं है। तब ये व्यक्त कैसे होती है, तो ये जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसमें से ये नज़र आती है। उदाहरण के तौर पर अगर डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान रखना है, कुछ बर्तन रखने हैं, जब ये हेल्दी स्टेट में होती है तब ये बर्तन बहुत ही शांति से रखे जाते हैं, बिना आवाज़ किए हुए। जब ये अंदर से नाराज होती है, इरिटेबल होती है, एंगर भरा हुआ होता है, तब ये बर्तन ठक आवाज़ करके रखे जाते हैं, दरवाज़ा ढम करके बंद हो जाता है, आवाज़ में एक भारीपन आता है, एक चिड़चिड़ा नज़र आता है। तो समझ लेना कि ये अंदर से बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है, और इसका सिंगल जो मेडिसिन है वो बाम्बूसा है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।